स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूंगाइट का प्रजेंट लेसन का टॉपिक है द्लिप्स विच इज़ रिटन बाई वेमस राइटर शी इज एन एसे नावलिस्ट एंड क्रिटिक एसे होता है वो जो एसे लिखते हैं नॉवलिस्ट हैं नॉवल राइटअप करती हैं एंड ऑल्सो शी इज अटिक वो एक बड़ी अच्छी निकात भी हैं एंड अ वेरी वेल नोन राइटर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी सो so, जो प्रेजेंट ऐसे है द इक्लिप्स ये भी वर्जीनिया वोल्फ ने लिखा है इट डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा ऐसे जिसमें उन्होंने सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण के दिन को डिस्क्राइब किया है कि उस दिन क्या कैफियाद थी और किस तरह की सीनरी थी तो एक बड़ा उन्होंने पिक्टोरियल एस्पेक्ट अपने ऐसे में लिखा है अब पिक्टोरियल किसको बोलते हैं एक ऐसी तहरीर जो तस्वीर खींच देती है एक मंजर निगारी कर देती है कि सोलर इक्लिप्स का वो पूरा सीन हमारी आँखों के गिरद घूम जाता है तो अगर आप देखें इज़ वर्जिनिया वुल्फ अब अगर हम इस ऐसे के बारे में बात करते हैं तो एक्लिप्स आपको पता है कि वो दो टाइप के होते हैं एक इक्लिप्स को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स और दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स सो so, लूनर एक्लिप्स में जब अर्थ जो है वो मूव करती हुई चाँद के आगे आ जाती है आप उसको बोलते हैं जबकि सोलर इक्लिप्स वो होता है जब मून जो है अपने नॉर्मल रोटेशन में ट्रैवल करता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है एज अ रिज़ल्ट सूरज की रोशनी ज़मीन तक प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है इट इज़ सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड आउट जिसको हम सोलर सोलर इक्लिप्स बोलते हैं तो इस ऐसे में यही सोलर इक्लिप्स है जिसका जिक्र वूल्फ ने किया है इस ऐसे की लोकेशन सेट है इंग्लैंड में इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है यॉर्कशायर जिसको राइटर ने मेंशन किया है और यॉर्कशायर की ही एक जगह है स्टोन हेज आपके सामने उसकी पिक्चर आ रही होगी एक बिल्डिंग है एक स्ट्रक्चर है ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स, थर्टीन फीट तक है और ये एक बड़ा एक प्रीमेटिव इलाका है यानी इसको कंसीडर किया जाता है कि प्री हिस्टोरिक पीपल हैव बिल्ट इट, बहुत पुराने लोग जो कदीम लोग हैं उन्होंने स्टोन हेज को तामीर किया है और इसके बारे में बहुत सारी बातें मंसूब हैं कि बेसिकली ये प्री हिस्टोरिक लोगों की इबादत की जगह होती थी जहाँ पर वो सुबह के वक्त इकट्ठे होकर सूरज की इबादत किया करते थे कुछ लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी कि यहाँ पर वो अपने बीमारों को लाते थे और बीमार वहाँ से शिफा होते थे सो इस स्टोन बिल्डिंग जो स्टोन स्ट्रक्चर है इसके इर्द की जो सारी जगह आपको नज़र आ रही है इसको हम बरियल माउंट्स बोलते हैं यानी यहाँ पर वो पुराने लोग जो थे दूर दराज जगहों से अपने बीमारों को लाकर कर यहाँ पर दफनाते होते थे सो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द बरियल माउंट खैर तो हम बात कर रहे थे ऐसे की इस ऐसे का जो सेटिंग uh, है वो यॉर्कशायर इंग्लैंड की एक जगह है जिसको हम स्टोनेज बोलते हैं इसमें मंथ जून uh, का मेंशन किया हुआ है अब जो सोलर एक्लिप्स का टाइम है दैट इज़ द डॉन के सुबह सूरज तुलू होने के वक्त सोलर एक्लिप्स का नज़ारा किया जा सकेगा एंड दैट ओनली वुड लास्ट फॉर ट्वेंटी फोर सेकेंड्स तो जो दुरानिया है सोलर एक्लिप्स का वो सिर्फ चौबीस सेकेंड है अब डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड सीजन के मोस्ट द टाइम ऑफ द ईयर वहाँ पे सर्दी होती है तो जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करती है कि जब लोगों को पता चला है कि इस दिन सुबह के वक्त सोलर एक्लिप्स इज गोइंग टू टेक प्लेस तो इट वॉज ऑल वो एक्साइटमेंट एंड थ्रिल इन इन पीपल तमाम लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश थे एंड एवरी वन वॉज़ कीन टू विटनेस दोलर एक्प्स बाई हिज ओन आईज और सब लोग सोलर एकप्स को देखने में दिलचस्पी भी रखते थे तो उस रात की बात करें तो वो रात जिसकी सुबह में सोलर एकलिप्स दिखाई दे जाने वाला था तो उसमें इंग्लैंड के लोगों में एक बड़ी रेस्टलेसनेस और बेचैनी पाई जाती थी क्योंकि तमाम लोग अपने तमाम तर काम छोड़कर सोलर एकलिप्स को देखना चाहते थे वो यूनिवर्स के इस एक फीचर में शामिल हो जाना चाहते थे सो उस रात इंग्लैंड की सड़कों पर

प्रोसेशंस uh, में यानि ग्रुप्स की सूरत में जा रहे हैं लेकिन सबका रुख भी एक ही तरफ था और उनका जाने का पर्पस भी ये था कि उन्होंने वहाँ पे स्टोन हिज पे पहुँचना है ताकि उधर जाके सूरज का नज़ारा कर सकें नाउ ये ऐसे लिखने के लिए राइटर का मोटिव क्या हो सकता है रिमेम्बर कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जिसको आप पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके थ्रू राइटर वांट्स टू कन्वे सर्टेन मैसेज नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस मैसेज को कितना ग्रिप करते हैं अब सोलर द एक्लिप्स लिखने का वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक क्या पर्पज़ होगा सबसे पहली बात तो ये कि वो एक नेचुरल uh, फिनमिनन की मंजर निगारी करना चाहती है डिस्क्राइब करना चाहती है कि हाउ डज़ द अर्थ लुक लाइक वेन इट इज़ बिफोर ड्यूरिंग और द सोलर एक्लिप्स और दूसरी चीज़ जो वो ये बताना चाह रही है कि सन इज़ सेंटर ऑफ आर यूनिवर्स हमारे सोलर सिस्टम का मरकज़ है सूरज और इसी की वजह से अर्थ पे हमारी लाइफ जिसका सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल फिजिकल कंडीशंस हैं वो सूरज की वजह से सस्टेन करती हैं सो इफ आउट ऑफ द ब्लू द सन इज़ बीन ब्लॉटेड आउट उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी दुनिया में जितनी रौनक चहल पहल ईगरनेस जॉयस एंड प्लेजर्स हैं दे विल कम टू अ स्टॉप। यानी हमारी पूरी लाइफ जो है वो सूरज इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है जो हमारी लाइफ का एक सस्टेनिंग फैक्टर है यानी सन की क्या इम्पोर्टेंस है ये बताना चाहती है हमें वो और दूसरा स्टोन हेज के तस्करा से हमें क्या बात पता चलती है कि जिस तरीके से स्टोन हेज लीड्स अस बैक टू प्लेथोलिक टू प्री हिस्टोरिक एरा जहाँ हमें बहुत कदीम लोगों का जो है रेफ़रेंस मिलता है कि वो इस तरह सूरज की इबादत करने आते थे तो इस तरह से शी is सम हाउ यूनाइटिंग द पीपल ऑफ age एज एंड मॉडर्न पीपल कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पर एक पेज पे आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंस ऑफ सन बिल्कुल इस तरह जैसे सैकड़ों सालों पहले लोग सूरज की इबादत करने जाया करते थे इसी तरह इंग्लैंड के लोग आज भी इन केस ऑफ सोलर एक्लिप्स स्टोन एज की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे सूरज का नजारा करना चाहते हैं तो गोया वर्जीनिया वुल्फ ने दो तहजीबों को इकट्ठा कर दिया है और उस दो तहीबों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है ये बताना कि द सन इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ द बेसिक सस्टेनिंग फैक्टर ऑफ आर यूनिवर्स और इस एक पॉइंट पे आके तमाम यूनिवर्सैलिटीज़ जो हैं वो कॉमन हो जाती हैं तमाम लोगों की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है और सब लोग जो हैं दे वर्क एंड फंक्शन लाइक यूनिवर्स एज आ होल अपनी अपनी इनफरादियत ख़त्म करके तमाम लोग यहाँ पर यकजा हो जाते हैं इस जगह पर बिकॉज ऑफ द सन दैट इज़ वाई सन होल्ड्स अ प्राइम इंपॉर्टेंस इन आर यूनिवर्स सो सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होने से पहले जिस तरह अर्थ जिसको हम देखते हैं दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड कलर्स जिसमें बर्ड्स और चर्पिंग हम हर तरफ आवाज़ें सुन रहे हैं वो किस कदर खूबसूरत लगती है लेकिन द मोमेंट द सन इज ब्लर्टेड आउट हर वो लम्हा जिसमें सूरज की रोशनी ख़त्म होती है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स तो हम देखते हैं कि अर्थ का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है लाइफ फॉर्म्स कलरलेस हो जाती हैं फूलों के रंग उड़ जाते हैं द अर्थ टर्नस फ्राम फिंग टू पर्पल अर्थ के कलर्स चेंज हो जाते हैं एंड इट हैंग्स लाइक अ शेडो और हमें लगता है कि जैसे लाइफ अनसर्टेन हो हो चुकी है सो दिस इज द सोल पर्पज ऑफ राइटिंग दिस एसे दैट हाउ इम्पॉर्टेंट सन इज फॉर आर सोलर सिस्टम इस ऐसे में जो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं वो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि how people are moving towards the north and what was the condition of people at the night of the solar eclipse लोगों की क्या kya याद थी और लोग कैसा react कर रहे थे solar eclipse के बारे में सो so, जब आप इसका आंसर कंपोज करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ सेंटेंसेस राइटर के बारे में लिखेंगे ऐसे का मेन थीम लिखेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ आ जाएंगे सो वजुनिया वुल्फ वॉज आर डिस्टिंग पोजेस्ट अ ब्रिलियंट इमेजिनेशन एंड अ करव इंटेलिजेंस एक ऐसी राइटर जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है और वो बड़ी अच्छी तख्लीक निगारी करती है शी वॉज अ सेंसिटिव आर्टिस्ट हुट डीप डाउन इन टू द नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ द थिंग्स एक ऐसी सेंसिटिव राइटर जिसने कुदरत के मनाज़र को कैद किया एंड रिकॉर्डिंग हर ऑब्ज़रवेशन एंड सटल वे और उसने एक बड़े कीन जब आप अपना काम बहुत डूब के करते हो इंतहाई महव हो गए एंड सटल वे एक गैर महसूस से अंदाज़ में उसने जिस तरीके से कुदरत की मंजर निकारी की है दैट इज़ प्लॉजिबल वो काबिल तारीफ़ है शी डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस अबाउट द जून नाइट वन एवरीबडी इन इंग्गलैंड वॉज क्यूरियस टू विटनेस दोलर एक्लिप्स जो नाइक के एक एक्सपीरियंस की बात करती है जब इंग्लैंड में तमाम लोग सोलर को देखने के लिए बेचैन हैं इट वॉज टू टेक प्लेस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड खुड बी क्लियरली सीन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड अब सोलर एक्लिप्स का वक्त है सुबह का और इसको इंग्लैंड में होना है सो अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल टू द नॉर्थ फॉर दिस पर्पज इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद नॉर्थ की तरफ चल पड़ी है ऑल ओवर ऑन ऑन द रोड्स There was no sleep or fixity in England that night. Usrat England mein halchal hi halchal Tamam log par Everyone was thinking about the dawn. Sabke mein subha Some people were traveling in their cars and some in trains. Everybody was pointing to the north. द एटमासफियर वॉज़ फुल ऑफ़ एक्साइटमेंट एंड एंटिसपेशन आपको लोग अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के जरिए सफ़र कर रहे हैं कार्स के जरिए ट्रेन के जरिए लेकिन एक बात जो उनमें कॉमन है कि तमाम लोग अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ के अपने अपने काम छोड़ के अपनी ऑब्लिकेशन छोड़ के सब एक ही जानब जा रहे हैं और एक्साइटमेंट है एंटीसिपेशन है जब वो एक चीज़ को देखने के लिए बहुत पुरुद है दैट इज सोलर एक्लिप्स The sky gained too much importance that night. Israt Asman As the time was advancing, the consciousness about the sun and the sky was increasing. Jesse Jesi Vakta Guzarahata Lok Sura Jorasman ke conscious keen bhat At that day, people were thinking only about the sun and their relation with everything was completely changed. उस रात अब ये एक इस ऐसे की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस रात लोग सिर्फ और सिर्फ सूरज के बारे में सोच रहे थे और उनका दुनिया की हर चीज़ के साथ ताल्लुक़ बदल चुका था एक नए पैरामीटर्स जो थे इस्टेब्लिश हो चुके थे इससे पहले सन को हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं बट वन यू गेट टू नो कि वो चीज़ जो हमेशा हमारे सर पर है एंड देट इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोवाइडस विद लाइट एंड वार्म वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है उसकी रियलाइजेशन सिर्फ उसी वक्त होगी जब हमें पता चलेगा कि दिस कुड बी ब्ल्टड आउट कि ये भी ख़त्म हो सकती है सो so, लोगों का रिलेशन उनके ताल्लुक उनके मामला दुनिया के साथ इस लम्हे बदल चुके थे दे वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड उनका ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ था देर एक्सपीरियंस वॉज यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक उनका जो एक्सपीरियंस था वो यूनिवर्सल था और कॉस्मिक था यूनिवर्सल का मतलब होता है जब वो एक आलमगीर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं कॉस्मिक का मतलब जब आपका ताल्लुक़ फलक से है जब आपका ताल्लुक फलक में मौजूद तमाम हेवनली बॉडीज़ एक लैसटिकल बॉडीज़ के साथ है दे हैड गॉन देयर फॉर है डिसम्बॉड इंटरकोर्स विद द स्काई वो वहाँ जा रहे थे ताकि वो आसमान के साथ एक मुकालमा कर सके डिसम्बॉडेड कि जिसमें उनकी अपनी शख्सियत अपने ज़ात इन्वॉल्व नहीं है एक आलमगीरियत का कैफियत है द एक्टिविटी एंड फ़र्वर ऑफ़ दिस पीपल वॉज ऑनली ड्यू टू देयर कंसर्न फॉर द वर्ल्ड एंड इज फ्यूचर लोगों की तमाम तर एक्टिविटीज़ और उनका फ़र्वर उनका जो जोशो जज्बा था वो तमाम सिर्फ और सिर्फ इस बात के गर्द घूम रहा था कि उनका तलब दुनिया और उसके मुस्तबिल के साथ है डैट्स वाई दे ट्रेवल्ड इन अ लार्ज नंबर टू विटनेस दिस नेचुरल फिनमिनन इसी लिए उन्होंने इस कुदरती मंज़र को देखने के लिए इतनी ज़्यादा डिस्टेंसिस कवर की थी सो so, आज के लिए हम इतना पार्ट ही पढ़ेंगे इसमें आपको पता चला कि लोग किस तरीके से सोलर को एंटीसिपेट कर रहे हैं और किस तरीके से वो उसको दे आर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू विटनेस द सोलर इक्लिप्स कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब वो स्टोन हेज पे पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी फीलिंग क्या होती है एंड विल डिस्कस मोमेंट इन सोलर एक Good question don't take Take really good care of yourself, see